के बाहर बनी इस इमारत पर लिखा आपका अपना बाजा। अंदर ठेठ देहाती अंदाज में माइक पर बोलता युवक, जगह भैया होता है भाग भाग, और ढोलक की थाप पर गाना गाता नेत्रहीन किशोर। ये कोई भजन मंडली नहीं बल्कि देशी एफएम चैनल है। जी हाँ, ये तस्वीर है कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक के बैरी गांव की, जो यहाँ की पहचान बन चुका है। इतना ही नहीं, ये रेडियो स्टेशन गांव के लोगों में काफी पॉपुलर भी हो चुका है। वक्त की आवाज के नाम से 2012 में शुरू हुआ ये रेडियो चैनल आज अनगिनत घरों में अपनी खास जगह बना चुका है। ये एफएम स्टेशन ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर सरकार के बड़े बड़े फैसलों तक की जानकारी घर घर पहुँचा रहा है। फिर श्रमिक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लखनपुर कानपुर में है, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हमें भी इसमें आगे कदम बढ़ाना ही है। तो 27 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तय किया और लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। तो अप्लाई किया और हमें बहुत ही 23 सितंबर 2013 को लाइसेंस पूरा अप्रूवल हुआ, और इससे पहले हमने ट्रायल ब्रॉडकास्टिंग भी करनी शुरू कर। तो ये कि समुदाय को, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन को हो, इन सारे डिपार्टमेंट से निकाल करके कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आज 30 स्कूलों में बच्चे, गांव के लोग ही हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि उनका है ये रेडियो, कम्युनिटी रेडियो समुदाय का है। तो हम समुदाय का रेडियो समुदाय के लिए चलाते हैं, ना कि सेलिब्रिटी के लिए चलाते हैं। दूसरे रेडियो स्टेशन की तरह यहाँ के आरजे खड़ी बोली या अंग्रेजी में नहीं बल्कि ठेठ देहाती अंदाज में ऑडियंस से मुखातिब होते हैं, और देहाती अंदाज में ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। और यही वजह है कि ग्रामीण इस चैनल को खासा पसंद करते हैं। आरजे हरी का कहना है कि वो खड़ी बोली की जगह गांव की ठेठ देहाती भाषा को अहमियत देते हैं, जिससे ग्रामीणों का लगाव बढ़ता है। मैं वक्त की आवाज़ में लगभग 3.5 साल से कार्यरत हूँ, और हमारे जो रेडियो स्टेशन, इसको हम अपना नहीं कहते हैं कभी, ये कहते हैं समुदाय का रेडियो, आपका अपना रेडियो बाजा है। और इसमें हम चाहते हैं कि जो भी, जैसे गांव में जानकारियों का अभाव होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और साथ में जो भी जानकारियां हमारे माध्यम से होती हैं पूर्णतया उनको प्रदान। हालांकि मेट्रो शहरों की तरह इस देशी रेडियो स्टेशन में कुछ खास संसाधन तो नहीं है, बावजूद इसके ये रेडियो स्टेशन किसी शहरी रेडियो एफएम से कम भी नहीं है।